दो हंसों का जोड़ा भाग छे। दो हंसों का जोड़ा। प्रीति को देखने दो लड़के आए हैं, हैंसम ऋषि रायचंद और भोला भाला सूर्य कमल। दोनों लड़के एक एक करके प्रीति की माँ से जाकर मिलते हैं। माँ का निर्णय जो भी हो, प्रीति ऋषि रायचंद के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुन रही है और सूर्य कमल उसके लिए सिर्फ एक मजाक है। अब आगे। सॉरी सर, गलती हो गई। नहीं नहीं, सॉरी जी, सॉरी, वो गलती हो गई। वो मैं सुमी, इन दोनों में से एक को चुन। चुनाव एक से ज्यादा में किया जाता है प्रीति, वो दूसरे वाले की तो कहीं गिनती नहीं है। तो फिर माँ और बाबूजी ने उसे यहाँ बुलाया क्यों है? पता नहीं, अब मेरा मतलब उन्हें पता ही नहीं होगा, लेकिन अब जब उन्होंने इस नमूने सूर्य कमल को देख लिया है तो उसको मना कर देंगे। मना कर देंगे ना सुमी? और क्या, अरे तूने देखा नहीं, ताऊ जी जब इस सूर्य कमल से बात कर रहे थे तो उनका चेहरा कैसा हो गया था। तू देखना, इसका रिश्ता तो ऐसे मना हो जाएगा। और जब वो दूसरा वाला है ऋषि, उसको तो देखते ही सब लोगों ने मन मना लिया होगा कि दूल्हा होगा तो यही होगा। दोनों बहनों को विश्वास है कि माँ भी ऋषि को ही चुनेंगी। इस विषय में प्रीति अपने पिता और चाचा की बात सुन लेती है। मेरे बस का नहीं था ये सब। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया। अरे हाँ भैया, उन दोनों लड़कों के बारे में भाभी जी ने क्या फैसला लिया, आपने पूछा? गया था पूछने, लेकिन दामाद मिलने की खुशी में बड़े चैन से सो रही थी वो। अब कल सुबह ही पूछूंगा। सुबह तक, यानी अब सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह सभी घर के लोग प्रीति की माँ के कमरे में उनका निर्णय सुनने आते हैं। प्रीति बहुत बेचैन है। अब बता भी दोस्त ने, तुमने हमारी रानी बिटिया के लिए किसे चुना है? तुम्हारा निर्णय किसके पक्ष में गया है, बोलो ना, सूर्य कमल के या ऋषि के? सूर्य कमल, सूर्य कमल।